तरला जी ने हमें प्रॉमिस किया है एक ऐसा गुरु मंत्र कि मुझे तो विश्वास नहीं होता. सो आई एम गोना वेट एंड वॉच एंड सो विल यू. अरे मैं कोई जादू बिदू नहीं कर रही हूँ. चल पहले हम सूप बनाएंगे. सूप बनाना अच्छा लगता है ना? पीना? पीना तो बहुत अच्छा लगता है. ओके चलो आज पहले सूप बनाएंगे. सूप का नाम है स्पिनच एंड बेबी कॉर्न सूप. ओके पर उसके पहले दो तीन तैयारियां करनी पड़ेगी. प्लानिंग करनी पड़ेगी. प्लानिंग हाँ. तो 10 मिनट में पक जाएगा. हाँ तो तैयारी ये है कि अपने को चाहिए गरम पानी. ओके और जो बाप लिखा है उस तरह से उसका मेजरिंग कप बराबर डालना चाहिए. बड़ा ग्लास भर के पानी डाल दोगे तो भी स्वाद खत्म हो जाएगा. तो एक मेजरिंग कप की बहुत जरूरत है. और चाहिए सही चम्मच और सही और सब सब्जियां सब कटी हुई तैयार. फिर देखो 2 मिनट में सब तैयार हो जाएगा. वाओ दैट साउंड्स रियली रियली सिंपल. तो तला जी अब शुरू करें हमारा फर्स्ट 10 मिनट वंडर बेबी कॉर्न स्पिनच एंड बेबी कॉर्न सूप. दैट्स राइट. ओके ऑलराइट. तो पहले तो वो गैस पे चला जाता है ना? हां बिल्कुल बिल्कुल गैस तो मैं चला सकता हूं. ओके ओके ये लीजिए. हां जी यू नो एक चीज हमेशा याद रखना. जब हम बटर डालते हैं सूप में उसको एकदम गर्म होगा ना तो बटर काला हो जाता है. तो हमेशा बटर पहले धीमी आंच पर रखने का डालने का फिर सेकने का. बटर को हमेशा फास्ट आंच पे नहीं रखना चाहिए. आजकल सब लोगों को ज्यादा वेट नहीं पुट ऑन करने का है. कम से कम बटर डाला. तला जी ये बटर जो इतना जितना आपने डाला है ये कितने सूप कितनी क्वांटिटी के सूप के लिए का? एक दो ही आदमी का. दो आदमी का. ओके यानी कि आप और मैं. दैट्स राइट. सो बटर एंड गार्लिक थोड़ा एंड देन फिर डालेंगे अंदर ये है हरा प्याज और उसकी पत्तियां. अच्छा ये हरा प्याज नॉर्मल वाला है या जो दूसरा जिसमें लंबी लंबी कुछ? वही वही सेम हरा प्याज जो बाजार में मिलता है वही. जिस कुक पर मिलता है खुशबू आ रही है. देखो आ रही है ना? क्या बहुत कमाल की खुशबू. वैसे भी मुझे प्याज बहुत पसंद है. तो अभी तक हमने तरला जी इसमें पहले बटर डाला उसके बाद उसमें लहसुन डाला और उसके बाद फिर हमने हरा प्याज डाला. हरा प्याज. अब अगली चीज इसमें क्या डालने वाली है? अगली चीज डालेंगे हम थोड़ी सी पालक की भाजी और 2-3 बेबी कॉर्न. ओके टाइप के. अच्छा अगली चीज है वो है नारियल का दूध. नारियल का दूध? हाँ यानी कि कोकोनट मिल्क. दैट्स राइट. तरला जी मैंने तो कोकोनट ऑयल के बारे में सुना था. ये मिल्क और मिल्क कितनी देर लगती है इसको बनाने में? और अरे नहीं 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 अभी तो बाजार में नारियल के दूध के पैकेट मिल रहे हैं. अच्छा इसके बगैर पाउडर भी मिल रहा है दूध भी मिल रहा है. अच्छा, और क्रीम भी मिल रहा है. और अगर ये ना हो तो सूप नहीं बन सकता? नो ऐसा नहीं है. हाँ। बनेगा सूप. तू जरा मुझे सूप बना दे बाद में तेरे को बताती हूँ. ओके ओके. तो मैं पहला ये देखिए आप ना अभी अंदर डालेंगे हम नारियल का दूध. ये है नारियल का दूध. क्या बात पहली बार देखा. और ये है गरम पानी. वो पहले जाए. तो ये नारियल का दूध और गरम पानी एक साथ डालना. हो गया. और फिर नमक स्वाद अनुसार और काली मिर्च बाद में डाल. काली मिर्च बनने के बाद डाल. देखियो कैसा दिखता है सूप देखने में. That's our soup. Fantastic. Let it boil. It will boil in 2 minutes and it's ready. कितनी मिनट लगी तेरी घड़ी में? हाँ. अरे. अरे अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए. अरे कहाँ 4 मिनट हुए. और तैयार भी हो गया? तैयार हो गया. अभी तू चख और मुझे बोल कैसा लगता है. मैं चखूँ? पर गरम गरम मुँह में मत डालना. हाँ. इतना ख्याल रख. गरम गरम मुँह में डालेगा तो प्रॉब्लम होएगा. जल जाएगा और मैं बोल नहीं पाऊंगा और मैं बहुत बोल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है इसको गरम गरम ही खाना चाहिए मुझे. ऐसा नहीं है. It is amazing. Tarla ji, this is really, really wonderful. Don't say for the sake of saying. Seriously. Don't say for the sake of saying. नहीं 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 मैं वाकई में बोल रहा हूँ बहुत बहुत ही स्वादिष्ट है. Everybody, let's give her a big hand. Spinach and baby corn soup. इसके लिए आपको चाहिए बारीक कटा हुआ पालक 1 कप, sliced baby corn 1/2 कप, लहसुन 2 फांके, 2 हरी प्याज, नारियल का दूध, छोटा चम्मच मक्खन. एक पैन में बटर गरम करें. गरम होने पर उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालें, बारीक कटी हुई हरी प्याज को पैन में डाल दें और कुछ देर फ्राई करें. 2 स्लाइस्ड बेबी कॉर्न और बारीक कटा हुआ पालक भी डाल दें. अब 3/4 कप नारियल का दूध और गरम पानी पैन में डालें.
स्वाद अनुसार नमक डालकर कुछ देर तक धीमी आंच पर पकाएं।